अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड गज़ल नंबर वन ऑफ शूरी द कश्मीरी एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गज़ल नंबर टू ऑफ द सेम पॉइंट। सो लेट अस बिगिन। जलवे बेहिजाब ने मारा, जलवे बेहिजाब ने मारा, पर्दे लाजवाब ने मारा। The meaning of difficult and complicated words already have been jot down on the board. So इसको हम last पे देखेंगे। But जलवे बेहिजाब ने मारा, पर्दे लाजवाब ने मारा। शायरी शेर में अपने महबूब के हुस्न की तारीफ व तौसीफ बयान करते हैं। फरमाते हैं मेरे महबूब, आप मेरे लिए हर जाविये हर एंगल से बहुत खूब बहुत खूबसूरत काबिले दीद काबिले सताइश हो। यानी जब आप बेपर्दगी में होते हैं तो मेरे लिए इंतहाई खूबसूरत दिलकश और दिलचस्प वो मंज़र होता है। लेकिन जू ही आप पर्दे में होते हैं, जू ही आप पर्दे में आते हैं, तो फिर आपका हुस्न दुबाला हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, आपका हुस्न और ज़्यादा बढ़ जाता है। गो कि आप पर्दे में हो या आप बेपर्दगी में हो, लेकिन मेरे लिए आप लाजवाब हो, यूनिक हो, बेमिसाल हो, इस जैसी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। इसलिए शायर कहते हैं जलवाए, जलवा मीन्स दीदार, जलवाए बेहिजाब ने मारा, यानी मारा वर्ड इस वर्स में इम्पॉर्टेंट है। यानी मुझे ये मारना, यानी मुझे ये आपकी बेपर्दगी या फिर आपका पर्दा ये मुझे मारता है। सिंपली ये मुझे बेसुकून बेकरार, हाँ ये मुझे बेइत्मीनान या इज़्तिराबी कैफियत में डाल देता है। ये मुझे नहायत ही अफसरदा करता है, क्योंकि आप पर्दे में मेरे लिए खूब हो और बेपर्दगी में भी मेरे लिए खूब हो। तो जिस जाविये से जिस एंगल से जिस तरह से आपके हुस्न की तारीफ़ की जाए देखा जाए तो लिहाजा वो लाजवाब है। इसका कोई जवाब इसका कोई साने इसका कोई हरीब नहीं हो सकता है। लिहाजा हमें बात समझ आई, पहले वर्स में शायर ने महबूब के हुस्न की दाद दी है, सताइश और तारीफ व तौसीफ बयान फरमाई है कि मेरा महबूब लाजवाब है, मेरा महबूब इंतहाई खूबसूरत है। शायर कहते हैं खारजारों से हम बच के निकले, खारजारों से बच के हम निकले, तेरे रुख के गुलाब ने मारा। शायर कहते हैं जिंदगी के इस जीवन के मुश्किल और मराहिल, मुश्किल और कठिन मराहिल और मनाजिल को मैंने तय किया है। मैं हर मुश्किल घड़ी से बिल्कुल अपने दामन को अपने ईमान को सलामत लाया हूँ। मैंने कभी अपने दामन को दागो दबा लगने नहीं दिया। लेकिन ए मेरे महबूब, जो ही मैं आपकी गली में पहुंचा तो मैं वहां जाल में फंस गया, तेरे रुख के गुलाब ने मारा। शायर ने यहाँ भी महबूब के हुस्न की दूसरे मिसरे में दूसरी लाइन में तारीफ किए, तेरे रुख के, रुख मतलब चेहरा फेस गुलाब, यानी शायर कहता जो आपका फेस है वो गुलाब की मानन है, लिहाजा इसी ने मुझे मारा है, इसी ने मुझे बेकरार किया है, इसी रुख के गुलाब ने मेरा दीन व ईमान छीन लिया है, इसी ने मुझे सारी मेरी दौलत, इसी ने ये सरमाया जो मेरे पास था इसी ने मुझे स्नैच किया है। यानी खारजार मतलब खारजार, खार का मतलब है कांटा, जार खारजार मीन्स घर, और खारजारों यानी कांटों के मैदानों से, इट मीन्स मुश्किल मरहलों से, इट मीन्स मुश्किल जगहों से मैं बच गया हूँ, मैं वहाँ कामयाब और सफल
सफल होके आया हूँ, लेकिन जो ही मैं मेरे महबूब आप यानी आपके नज़दीक जो ही मैं आया, महबूब पर जो ही मेरी नज़र पड़ी, तो फिर मैं नहीं बच पाया। बाकी जगहों से मैं बच पाया, लेकिन महबूब के हुस्न को देखकर मैं अपने ईमान को, मैं अपने दीन को सलामत नहीं रख पाया। अगरचे मुश्किल, अगरचे ट्रबलसम सिचुएशन से मैं बच गया था, लेकिन यहाँ मुझे बचने का रास्ता नज़र नहीं आया। देखिए, इसलिए जो ग्रेट थिंकर्स हमारी तारीख के हैं, इनमें गालिब का नाम जो है वो सारे फहरिस्त है। लिहाजा उसने फरमाया है, जिसे हो दीन दिल अजीज़, उसकी गली में जाए क्यों। यानी जो इंसान कहता है मुझे दीन प्यारा है, ईमान प्यारा है, लिहाजा जिस इंसान को ये चीज़ें न्यारी हो तो उसे महबूब की गली में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ही वो महबूब की गली में जाता है तो महबूब दीन और ईमान लेता है, महबूब जो है वो तमाम चीज़ों पर पानी फेर देता है, और इंसान बस इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में घुल मिल जाता है। फिर इसी दुनिया में ये इंसान जो है ये बसता जाता है। शायर कहते हैं, हुस्न ने दिल में घर किया लेकिन घर करना के माने क्या है। घर करना का मतलब है जगह बनाना या बसना, इश्क खाने खराब ने मारा। यानी महबूब का जो ये हुस्न है उसने मेरे दिल में जगह बना ली है, वो मेरे दिल में रच और बस कर रह गया है। और अगर देखा जाए, इश्क खाने खराब ने मारा, जो ये इश्क है खाने खराब, खराब घर, खाना फारसी लफ्ज है, इसका मतलब है घर, खाने खराब ने मारा। यानी दरअसल क्या शायर ये कहना चाहते हैं, इस तरह कुछ शायर कन्वे करना चाहते हैं कि जो ही महबूब के हुस्न ने मेरे दिल में घर किया है, तो फिर इस दिन से यानी जिस दिन से किसने महबूब के हुस्न ने मेरे दिल में घर किया है, तब से मैं न घर का न गांठ का रहा हूँ, तब से मैं इश्क खाने खराब ने मारा, यानी इस इश्क ने मुझे बर्बादी के किनारे के दहाने तक पहुंचा दिया है। इसने मुझे मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को, हयात को इसने डिस्ट्रॉय, इसने मुनहदिम और इसने इसको कम्प्लीटली डिमालिश कर दिया है, देखा जाए। क्योंकि इश्क के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो नताइज है, वो फिर इंसान को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए यानी कहते हैं, जो इश्क का खाना ख़राब है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है, इसने मुझे तबाह कर दिया है। क्योंकि वीडियोस लंबे चौड़े होते बनते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको इसी रिलेटेड यहाँ गालिब का, फिर मेर तकी मीर का, फिर किसी और पॉइंट का, लेकिन इतनी गुंजाइश शायद इन वीडियोस में होती नहीं है, लिहाजा हम थोड़ा कन्फाइन रहते हैं, ताकि जो आपका सिलेबस है इसी पर फोकस ज़्यादा बना रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, नित नए क्या सबक पढ़ाती है रोज़ो शब की किताब ने मारा। ये बहुत ही इस गज़ल का अहम ये वर्स है। शायर कहते हैं, नित नए इन्हें आए रोज़ जो इंसान के ज़िंदगी में नए नए हालात, नए नए वाकात, नए नए इवेंट्स रोनमा होते रहते हैं, रोनमा पजीर होते हैं, तो नित नए क्या सबक पढ़ाती है रोज़ो शब की किताब ने मारा। शायर कहते हैं, मुझे रोज़ो शब की किताब ने मारा। यानी शायर खुद ही कहते हैं, जो रोज़ और शब इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, अगर हम शब और रोज़ का प्लस करेंगे तो आप देखिए ये फिर ज़िंदगी बनती है। यानी अगर हम देखेंगे तो इसकी किताब ने मारा, यानी जो ये ज़िंदगी है ये एक किताब है, लेकिन ये किताब डियर स्टूडेंट्स किन पेजेस से बनी है? शब और रोज़ के पेजेस से ये हमारी ज़िंदगी बनी है, और हर पेज पर और हर नए सफ़े पर एक नया सबक तहरीर किया हुआ है, तो एक नई दलील, एक नई लेसन वहाँ मेंशन, हर पेज पर नया सबक है। तो शायर इसलिए कहते हैं कि जो ही हम नए दिन में आते हैं, नई रात में आते हैं, वहाँ कुछ नया देखने को मिलता है, वहाँ कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वहाँ कुछ नया ऑब्जर्व करने को मिलता है। यानी जो हमने पिछली जो एक इंसान पर कल बीती, वो आज नहीं बीतती है, वो कल नहीं बीतेगी। लिहाजा इंसान इस दुनिया में आकर हर रोज़,
हर दिन नया नया सबक देखता है, नया कुछ इसको इस दुनिया में मिलता रहता है। इसलिए कहता है कि यहाँ नई नई एक्सपीरियंस आए रोज होती रहती है, नया इंसान इस दुनिया में देखता रहता है, यहाँ कोई वो पुराना रिपीट नहीं होता है। लिहाजा जो इंसान की ज़िंदगी है, अब हम कहेंगे इंसान की ज़िंदगी की जो एक किताब है, हर पेज पर नया सबक तहरीर हुआ है, हर पेज पर नया नई लेसन तहरीर है, नया कुछ नए इवेंट्स तहरीर है। लिहाजा हम इनको जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसलिए शायर कहता है कि यहाँ नया सबक रोज़ रोज़ हम देखते रहते हैं, नई तब्दीलियाँ नई चेंजेस जो है वो इस दुनिया में आती रहती है। और कहा भी गया है चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, सो दुनिया इस ज़िंदगी का जो जो ये चेंज है ये रूह है ज़िंदगी का, और हमें देखना चाहिए। अब कहते हैं पॉइंट, कहते हैं जुल्मतों को जहाँ की शोरीदा, जुल्मतों को जहाँ की शोरीदा, जलवे आहिजाब ने मारा। तो मैं इसको मुख्तसरन बताऊँगा, तशरी में लंबी चौड़ी इस तरह नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ कहता है शायर दुनिया में जो जुल्मात थे, दुनिया में जो घटाटोप अंधेरा था, जो बर्बरियत सफाकियत हर सू फैली हुई थी रसूलुल्लाह सस्म के बासर रसूलुल्लाह सस्म की बासत से पहले, यानी जो ही रसूलुल्लाह सस्म इस दुनिया में आए तो तमाम जुल्मात वो जुल्मत कदा जो है वो पाश पाश हो गया, वो इस दुनिया से मिट गया, वो जुल्मात ख़त्म हो गया है। कौन जो ही आया, रसूलुल्लाह सस्म जो ही आए तो रसूलुल्लाह सस्म के आते ही दुनिया से जुल्म ख़त्म हुआ, दुनिया से बर्बरियत ख़त्म हुई, दुनिया से तमाम परेशानियां ख़त्म हुई। ये वर्स आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखिए कि मैंने कुछ यहाँ यानी जलवा दीदार यानी बेहिजाब बेहिजाबी, क्योंकि जब भी हम ये बे या ला या इसी तरह गैर अल्फाज किसी लफ्ज़ के सामने जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो लफ्ज़ ज़िद बनता है। यानी बेहिजाब मीन्स बे पर्दा, लाजवाब बे मिसाल यूनिक, खाना के माने घर, नित नए यानी नए नए, रुख के माने चेहरा, घर करना मीन्स जगह बनाना, इस तरह यहाँ लफ्ज़ आया जुल्मत मीन्स अंधेरा, और खारजार वर्ड आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कांटोदार मैदान या कांटो वाला मैदान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।